मानसून से पहले जो भी जनहितकी के लिए आपातमिन से निपटने के लिए जो भी नगर परिषद का दायित्व है उसके लिए नगर परिषद आमजन के लिए संवेदनशील है, सभी तैयारियां पूर्ण कर दी गई है। निचले इलाकों में जहाँ पानी का भराव होता है वहाँ पे मड पंप द्वारा पानी को वहाँ से बाहर निकालना, उसके लिए 5 नगर परिषद द्वारा मड पंप है वो नगर परिषद के पास में थे, उसको वापस चेक करवा दिया है, कहीं कोई छोटी बड़ी प्रॉब्लम है उसको ठीक करवा दिया गया है। और भी आपात स्थिति में निपटने के लिए सभी तैयारियाँ पूर्ण कर दी गई है और ईश्वर से ही कामना करते हैं कि यहाँ पे बारिश अच्छी हो और गर्मी से आमजन को राहत मिले, हमारे गौ माता को राहत मिले और पशु पक्षियों को भी राहत मिले। उसके लिए इस गर्मी में भी हमने काफ़ी जगह पक्षियों के लिए परिंदे संस्थाओं से नगर परिषद के सहयोग से और आमजन प्रतिनिधियों के सहयोग से ये भी कार्य किया, गौ माता के लिए पानी की खेड़ियाँ भी बनवाई और जहाँ तक आमजन की भी समस्या अगर कहीं थी तो रोडों के ऊपर भी जहाँ पे हीट वेव के अंदर टेंट है, पानी की व्यवस्था है, रोडों पे पानी का छिड़काव है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था करने की पूरी क्योंकि कूलर भी लगवाए आमजन के लिए। अब ईश्वर ने कृपा बरसाई है कि गर्मी से धीरे धीरे राहत मिल रही है और उम्मीद करते हैं कि हमारा मानसून बहुत जल्द आ जाएगा और अब उससे निपटने के लिए उस चीज़ के लिए भी हमने पूरी व्यवस्थाएँ कर दी है और अच्छा मानसून आए और हमारे शहर को साफ़ सुथरा और स्वच्छ बनाने के लिए हमने करीबन 20-25 हज़ार वन विभाग से पौधों की भी डिमांड की है, सरकार की भी मंशा है। हम ये चाहते हैं कि हर घर के आगे एक अच्छा पौधा लगाए, उसके लिए आयुक्त साहब से हमने कहा है कि आप जल्दी से जल्दी टी गार्डों की व्यवस्था करें और हम आमजन को जागरूक करके संस्थाओं का सहयोग लेकर, पार्षदों का, जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर पूरे शहर में जहाँ हमारी सोनाडी है, वैणासर नाडी है, स्टेडियम है, हमारे पार्क है, नंदी गौशाला है और भी गौशालाएँ हैं, जहाँ भी पौधों की पेड़ पौधों लगाने की जगह है और पूरे शहर में हर मोहल्ले में हर गली में पार्षदों के साथ मिलकर हम पौधे लगाएंगे और हमारे शहर को एक अच्छा साफ सुथरा और हरा भरा बनाने के पूरे प्रयास करेंगे। सर आमतौर पर देखा जाता है कि बारिश के दिनों में जो अंडर ब्रिज है वो पानी से लबालब हो जाता है, उसके लिए क्या उसके लिए भी हमारे मड पंप लगाया हुआ है और इलेक्ट्रिक व्यवस्था भी है। बाय द वे अगर लाइट चली जाएगी तो हमारा वहाँ मड पंप लगाया हुआ है और ऊपर उसके ऊपर एक सुविधा का कर्मचारी भी लगाया हुआ है, उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा। और जो हमारे शहर के अंदर नाले चलते हैं उन नालों की करीब करीब सफाई शुरू हो गई है, आज सुबह मैंने विजिट शास्त्री के साइड की थी तो वहाँ पे नालों की अच्छी सफाई हो गई है और आयुक्त साहब प्रत्येक दिन मॉनिटरिंग करते हैं और मैं आयुक्त साहब और उनकी पूरी टीम को कहूँगा कि आप शहर के अंदर जितने भी नाले हैं उनको अगर एक बार जेसीबी और मैनुअल से, जो मैनुअल से हो सकता है उसको मैनुअल से और जो जेसीबी से हो सकता है जेसीबी से अगर हम पूरे तरीके से साफ करवा लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि जो पानी की समस्या रहती है वो नहीं रहेगी और काफ़ी नाले अच्छे साफ हुए हैं, जहाँ भी मैं चेक करने गए हूँ वहाँ अच्छा कार्य हुआ है। और भी आयुक्त साहब और हम मिलकर पूरी टीम के साथ में, अधिकारियों के साथ में जितने भी नाले हैं उनको आने वाले 5-10 दिनों के अंदर अच्छी तरह से उसको साफ करवा देंगे जिससे पानी हमारे कुंडला प्लांट के अंदर वहाँ तक पहुँच जावे, शहर के अंदर नहीं रहे।